धन दौलत और नाम के लिए वास्तुशास्त्र के 42 नियम। नंबर एक, पूजा घर की सफाई हर शनिवार को जरूर करें और गंगा जल का छिड़काव करें। नंबर दो, मंदिर के दीपक को रोज साफ करके ही दीपक जलाएं। नंबर तीन, जब मंदिर की सफाई करें तो तस्वीर जमीन पर ना रखकर किसी बड़ी थाली में रखें। नंबर चार, पूजा करने के बाद मंदिर का पर्दा जरूर डाल दें। नंबर पाँच, पूजा घर में एक कपूर प्रतिदिन अवश्य ही जलाएं। नंबर छः, वास्तुशास्त्र में पूजा की भी दिशा निश्चित है। घर या ऑफिस में पूजा का स्थान ईशान कोण में ही रखें, इससे परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। उत्तर दिशा धन प्राप्ति के लिए और पूर्व दिशा की और मुख करके ही की गई पूजा का सुफल प्राप्त होता है और बेहद चमत्कारी लाभ भी मिलता है। पूजन कक्ष में शुभ और सात्विक रंग जैसे हल्का हरा, पीला, जामुनी, क्रीम रंग का प्रयोग करें। पूजा में शंख का बहुत महत्व है, इसलिए पूजा घर में शंख जरूर रखना चाहिए। दक्षिण पश्चिम की दिशा में पूजा कक्ष बिल्कुल ना बनाएं। मंदिर में धूप, माचिस व हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व में रखें, अर्थात अग्नि कोण में रखें। आरती, दीप, पूजा, अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीक साधनों को मुँह से फूंक मारकर कभी ना बुझे। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अवश्य ही लगाना चाहिए। घर में झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें और ऐसी जगह रखें जहां पर किसी का झाड़ू को आते जाते पैर ना लगे, और झाड़ू को हमेशा लेटा कर रखें, खड़ा करके कभी ना रखें। कभी भी बिस्तर पर बैठकर खाना न खाएं, ऐसा करने से धन की हानि होती है और माता लक्ष्मी घर से चली जाती है। हो सके तो रसोई में ज़मीन पर बैठकर खाना खाए, इससे आपका घर धन दाने से भरा रहता है, कभी धन की कमी नहीं होती है। घर में जूते चप्पल रखने के लिए एक निश्चित जगह बनाइए। जूते चप्पल इधर उधर बिखर कर या उल्टे सीधे करके बिल्कुल ना रखें, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है और माता लक्ष्मी कभी घर नहीं आती है। कोशिश करें कि घर में कोई भी बंद घड़ी ना लगी हो, जो घड़ी काम ना कर रही हो उसे घर में ना रखें। घर में कभी भी जाले ना लगने दें, वरना भाग्य और कर्म दोनों ही खराब होने लगते हैं और हर काम में बाधाएं आने लगती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी कमरे में अगर बीम बनी हुई है तो उसके नीचे कभी बिस्तर न लगाएं, इससे घर में नकारात्मक बढ़ती है। ऐसे में यह कोशिश करें कि बीम वाली जगह पर कुछ ना हो, न तो वहाँ बैठे और न ही सोए। नई झाड़ू का प्रयोग हमेशा शनिवार को ही करें। यदि आपके घर का कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है तो घर में नमक के पानी का पोछा लगाएं, इससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है, साथ ही पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। यदि आपके घर में कई दवाइयां हैं और उनमें से कई दवाई की ज़रूरत नहीं है तो उन्हें फेंक दें। अगर ऐसा ना किया जाए तो यह दवाई बीमारी को न्योता देती है। वास्तु के अनुसार स्वस्थ जीवन और लंबी आयु के लिए हमेशा अपना सिर दक्षिण में और पैर उत्तर दिशा की ओर करके सोना चाहिए। इस दिशा की ओर सिर करके सोने से व्यक्ति को धन, सुख, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोने समृद्धि, एकाग्र और स्वस्थ अच्छा बना रहता है। मनुष्य का आध्यात्मिक के प्रति झुकाव बढ़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार छात्रों को खासकर समृद्धि, एकाग्र बढ़ाने के लिए पूर्व दिशा में सिर करके सोना चाहिए। वास्तु कहता है कि पश्चिम दिशा में सिर करके सोने से भी आपको फायदा मिलता है, क्योंकि ये दिशा प्रसिद्ध प्रतिष्ठा और समृद्धि को बढ़ाती है। वास्तु के अनुसार भोजन करने का उत्तम स्थान पश्चिम दिशा में है। घर की पश्चिम दिशा में बनी डाइनिंग हॉल में बेहद शुभ होता है। इस दिशा में भोजन करने से माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती है। उत्तर पूर्व या दिशा में भोजन करना एक दूसरा विकल्प है। हमेशा ध्यान रखें, दक्षिण पश्चिम दिशा में डाइनिंग रूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने से शरीर में बीमारी होती है। यह भी ध्यान दें कि भोजन कक्ष के सामने घर का मुख्य द्वार या शौचालय ना हो, नहीं तो आपसी गलत और मानसिक कष्ट बना रह सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूरे की ओर मुँह करके भोजन करने से दीर्घायु की संभावना बढ़ जाती है। पश्चिम की ओर मुँह करके खाने से संपन्नता और समृद्धि आती है।
दक्षिण और उत्तर की ओर मुंह करके भोजन बिल्कुल ना करें, यह सेहत की दृष्टि से बिल्कुल ठीक नहीं है। रसोई घर में पीने का पानी उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। रसोई घर में पानी और आग को कभी भी आसपास नहीं रखना चाहिए। रसोई में गैस दक्षिण पूर्व दिशा में रहना चाहिए। रसोई में यदि झाड़ू पोछा या सफाई का कोई सामान रखना है तो उसे नेत्रद्व कोण में रखना चाहिए। डस्टबिन को रसोई घर से बाहर रखिए। चींटियां, कॉकरोच, चूहे, अन्य प्रकार के कीड़े मकोड़े किचन में घूम रहे हैं तो सावधान हो जाइए, ये आपकी सेहत और बरकत को खा जाएंगे। किचन को साफ सुथरा सुंदर बनाकर रखिए। भोजन सबसे पहले अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न का सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। भोजन की थाली को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। थाली को हमेशा चटाई या टेबल पर सामान के साथ रखें, फिर भोजन करें। भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं। थाली में कभी भी जूठा न छोड़ें। पीतल के बर्तन में भोजन करें। तांबे के बर्तन में पानी पीना अत्यंत लाभकारी होता है। भोजन करने से पूर्व देवता का आह्वान जरूर करें। भोजन करने वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अंदर समृद्धि चाहने वाले को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहता है उनका इनका सेवन रात के भजन में नहीं करना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर घर में वास्तु हो तो घर के अखंड रामायण का पाठ करवाना चाहिए। साथ ही घर के उत्तर पूर्व कोने में मिट्टी का एक कलश रखें और इस बात का ध्यान रखें कि कलश खंडित नहीं होना चाहिए। जब रामायण समाप्त हो जाए तो कलश का जल तुलसी में डाल दें, इससे घर का वास्तु दोष खत्म हो जाता है। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करना न भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।